सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने केंद्र के अंतरिम बजट को सर्वहितैषी और सर्वसमावेशी बताया। उन्होंने कहा, बजट 2024-25 गरीब, महिला, युवा और किसान समेत सभी वर्गों का कल्याण करने वाला है। आने वाले समय में भारत विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि लगातार यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश को आगे बढ़ाने का प्रयास विभिन्न विभाग कर रहे हैं, और खास करके जो बजट आज का लेखानुदान के नाते से आया, पूर्ण बजट तो जुलाई में आएगा, लेकिन हम सब जानते हैं कि उनके सर्वहितैषी सर्वस्पर्शी कामों के आधार पर सभी विभागों पर्याप्त ध्यान देते हुए खास करके गरीब, महिला, युवा, किसान पर केंद्रित प्रधानमंत्री ने इस बजट को जो ध्यान केंद्रित किया, जिसके कारण से लगभग 25 करोड़ हमारी आबादी गरीब रेखा से बाहर आई है। ये बहुत बड़ा एक तरह से उपलब्धि है, और उसी प्रकार से ये जो देश की चौथी, दुनिया की चौथी अर्थव्यवस्था के रूप में भारत परिवर्तित हुआ है, और आने वाले समय में ये जो नया टेन्योर आएगा इसमें तीसरी अर्थव्यवस्था का जो उनका संकल्प है उसका पूरा बेस दिखाई दे रहा है। ये अमृतकाल में भारत को 2047 तक दुनिया का नंबर वन देश बनाने की दिशा में जो काम किए जा रहे हैं उसके परिणाम है, और खास करके इस 2 करोड़ लोगों को नए आवास देने की जो कल्पना की गई है, ये तो बगैर कोई कारण से गरीब लोग अपना घर नहीं बना पा रहे, उनके घर पे वो अभिशाप नहीं है, ये परमात्मा की कृपा। यशस्वी प्रधानमंत्री हर गरीब के घर पक्की छत का जो सपना देखते हैं उसका ही परिणाम है कि उनने अभी जो पुरानी गरीबी रेखा की लाइन थी उसमें बड़े पैमाने पे वो